देश में कोरोना वायरस को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना कि सरकार इस वायरस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनलॉक एक के तहत की गई रियायतों की वजह से नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ साझा किया है, साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और अक्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। अपने इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक 20 सेकंड का वीडियो भी शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।